बलरामपुरी प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण निधि। मैं सर्वप्रथम जो यहाँ हमारे आप लोग मीडिया के बंधुगण आए हैं, हमारी भगनी आई हैं, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ही हमारी इस आवाज़ को यहाँ प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, क्योंकि अब ये मुख्यमंत्री जो हैं अब हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। जैसा कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने इस बात को बिल्कुल बता ही दिया है कि हम जो हैं प्रदेश स्तर पर पिछले 1.5 साल से हम संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार के पास हमें वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ बात करने का उनके पास समय नहीं है। हमने बहुत सा समय उनको दिया है, हम कोई अपनी मांग नहीं मांग रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। जो कोर्ट ने बोला है, जो हमारा पेंशन रूल में है, उसका ही हम कह रहे हैं कि उसको लागू करो। अब तक सरकार ने उनको लागू करने की बजाय जो है कोई हमसे बात नहीं की है। हालांकि पिछली सरकार में थोड़ा बहुत कुछ हुआ था, लेकिन काफ़ी जैसे दूसरी जो कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं दूसरे विभागों के, उनको एरियर की 2 किस्तें दे दी है, 1 50,000 की, 1 2,000। लेकिन जो कम समय में जीने वाले हैं, जो जिनके जो जीवन के अंतिम पड़ाव में जो बैठे हैं वरिष्ठ नागरिक हैं, कई बीमारियों को उन बीमारियों ने उनको घेरा है, उनको सरकार को उनके उनको देने के लिए कोई पैसा नहीं है। जबकि सरकार ने लगभग 65 करोड़ रुपया जो है वो अपने केस लड़ने के लिए जो है वकीलों को दे दिया, लेकिन आज दिन तक कोई भी केस है HRTC ने नहीं जीता है 65 करोड़ रुपया देने की। और ब्याज पानी कितना ही ब्याज जो है वो लोग अपने कर्मचारी को दे दिया है। अगर उस पैसे को, वकीलों के पैसे को, उस ब्याज को अगर ये अपने आपस में सुलझा लेते तो ना ही वो इतना कम से कम 125 करोड़ रुपया जो है HRTC का बच जाता। लेकिन क्योंकि इनको अपनी चिंता नहीं है, अब मुख्यमंत्री महोदय हैं उनको क्या चिंता है। उनका सबसे बड़ी बात है कि उनको 2 दिन पेंशन उनको लगती हैं, उनकी जो अपनी माता श्री हैं उनको भी पेंशन लग रही है, उनके स्वर्गीय पिताजी वहाँ पर